भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने शनिवार को कटनी प्रवास के दौरान माधवनगर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी स्थित सांसद जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने शनिवार को कटनी प्रवास के दौरान माधवनगर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी स्थित सांसद जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संकट के समय साहसिक बजट पेश कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जिसमें हर वर्ग की चिंता की गई है। गांव, गरीब, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए अनंत प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में मध्य प्रदेश के लिए जितना प्रावधान किया गया वह अब तक का सबसे ज्यादा है और प्रदेश में सड़क तथा रेलवे के लिए धनराशि की स्वीकृति से चहुमुखी विकास होगा। प्रदेश के लिए बहुत उल्लेखनीय बजट है और ये बताने में मुझे हर्ष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने मिलकर के मध्य प्रदेश को 12,110 करोड़ रुपए आवंटित किए। आज तक के इतिहास में मध्य प्रदेश को कभी रेल के अंदर इतना बजट नहीं मिला जितना बजट इस बार मध्य प्रदेश को रेल के क्षेत्र में मिला है, जिसमें 35 नई लाइनों के साथ गेज परिवर्तन, दोहरीकरण और 6,104 किलोमीटर की दूरी जो तय की गई है, इसमें 81,638 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन योजनाओं को, परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को जो बजट दिया है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे कामों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दिशा में बजट रेल को लेकर के व्यापक पैमाने पर मध्य प्रदेश को दिया है। हमारी जो ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन है उसके बारे में भी अलग से प्रावधान किया है कि ये योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। और मैं विशेष तौर पर कटनी वासियों को एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, कल मैं जब मिला तो मैंने नई रेलगाड़ियाँ शुरू करने की जो हम लोगों की डिमांड है मैंने जब उनके सामने रखा, तो जिसके कारण से वो जो हमारा क्या कहते हैं उसको बासिंग पिट नहीं होने के कारण, अब अभी मैं उसके बारे में ये तो नहीं कहूंगा कि डिक्लेयर कर दिया, लेकिन माननीय रेल मंत्री जी ने विशेष तौर पर उसका उल्लेख करके कहा कि वासिंग पिट कटनी के अंदर बने, आप सांसद जी चिंता मत करिए, इस काम को मैं प्रायोरिटी पर करूंगा जिससे यहां से गाड़ियां प्रारंभ हो सके, क्योंकि पहले यहां ऑलरेडी था। एक प्रयास ये भी हम करने वाले हैं अपने मध्य प्रदेश कटनी के लिए। मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी, क्या हुआ उसका? कटनी के मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे प्रयास, अभी मैं भी इसको लेकर के प्रयासरत हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसमें बात हुई है, मैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनसे भी मिला हूँ और कटनी के मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र को भेजा है। प्रोसेस होती है और प्रयास है, मुझे लगता है कि कटनी को यह सौगात जरूर मिले। बजट में डीजल पेट्रोल को क्यों नहीं रखा गया जिसमें GST लगा दी? ये डीजल पेट्रोल और बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस समय बजट जो है ये आम गरीबों के हितों का बजट है, उसमें जो चीज़ों की जरूरत है उन सारी चीज़ों को करने का प्रयास सरकार ने किया और गंभीरता से किया। सर, आ रहा है जल्दी आ रहा है, प्रोसेस पूरी हो गई है और मुझे लगता है कि ये सौगात आपको मिल जाएगी। यूपी चुनाव श्री राम के नाम पे है, लेकिन कटनी का राम मंदिर दीवार के पीछे है, कटनी स्टेशन के पास स्टेशन चौराहे में, इसकी मांग लगातार हो रही है, आपने पूर्व में भी आश्वासन दिया था। बजट में कटनी को क्या मिला सांसद जी? कटनी को बहुत कुछ मिला है, जैसे रेलवे के अंदर तो 1201 करोड़ का जो प्रावधान मिला है उसमें कटनी का महत्वपूर्ण योगदान बनेगा उसके माध्यम से, रेलवे के बजट से एक और भी कई प्रकार की जो चीजें हैं उसमें अपने क्षेत्र को, मेरे संसदीय क्षेत्र को तो बहुत मिला है जी, 1166 करोड़ मिला है। तो इसलिए जो रेलवे का बजट है वो यहाँ के कई प्रकार की चीजों में हमको लाभान्वित वो करेगा। चिटगढ़ हेरिटेज है और 17 आइकॉनिक सिटी में है। पहले प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो को पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिया था, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का हमने बहुत अभिनंदन किया है और अभी 18 तारीख से खजुराहो को जो एयर कनेक्टिविटी है, जो हमारे टूरिज्म के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जिस बात की ज़रूरत थी, अभी 18 तारीख से स्पाइस जेट का एयर कनेक्टिविटी हमारी शुरू होगी और फ्लाइट 18 तारीख से शुरू होकर के इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे उड्डयन मंत्री आदरणीय माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो दिए, मैं उनको इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी को बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खर मध्य प्रदेश के लिए कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।